हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम गार्डन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बिगोनिया का प्लांट। काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है और ये एक परमानेंट प्लांट भी है जो कि सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर करें तो। बट इसके फ्लावरिंग का जो सही सीज़न है वो है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में इस प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये शेड लविंग प्लांट है तो शेड में रहना ही पसंद करता है, लेकिन फिर भी अगर विंटर सीज़न की दिन भर की 3-4 घंटे की धूप इस प्लांट को मिल जाती है तो ये इसकी फ्लावरिंग के लिए अच्छी होती है और इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये काफ़ी कलर और वैरायटी में नर्सरी में आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे पास ये ग्रीन लीफ वाला प्लांट है जिसमें देखिए रेड कलर के बड़े ही सुंदर से फ्लावर आ रहे हैं। अभी देखिए नवंबर मंथ चल रहा है और मेरा प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें बहुत सुंदर से फ्लावरिंग भी होने लगी है। बात इसकी प्रोपोगेशन की करें तो बाय कटिंग ये बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं, ग्रो हो जाती है। फरवरी मंथ में आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं या तो फिर जून जुलाई में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बेस्ट सीज़न है बिगोनिया की कटिंग को ग्रो करने का। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बड़े से कंटेनर में ही लगाएंगे क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं बहुत ही शैलो होती हैं, इसलिए आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी इसे ग्रो कर सकते हैं या फिर आप हैंगिंग बास्केट भी बिगोनिया के प्लांट को लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में बिगोनिया का प्लांट और भी खूबसूरत लगता है। बात करें इसके पॉटिंग मिक्स की कैसा हो, तो इसका पॉटिंग मिक्स ऐसा हो, इसकी मिट्टी जो है वो ऐसी हो जिसमें पानी होल्ड ना हो। ड्रेनेज होल भी चेक करते रहिएगा क्योंकि अगर पानी का ड्रेनेज ठीक से नहीं होगा तो पानी पॉट में धीरे धीरे होल्ड होता रहेगा और आपका प्लांट सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी जो स्टेम है उसमें ऑलरेडी काफ़ी पानी होल्ड रहता है। पानी आप हमेशा इसकी मिट्टी को चेक करके दें। अगर इसकी फर्स्ट लेयर ऊपर से 1 से 2 इंच तक ड्राई है तो आप पानी दें, अदरवाइज आप पानी ना दें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये प्लांट ना ही इस प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद है ना ही अंडर वाटरिंग पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय, टेक केयर।